two to this. So this is our jersey, and we will have little change in our date of the tournament. ये जो हम लोग ये कमिटीज़ हैं, मिस्टर हिलंग निम्मा इस आर चेयरमैन, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है, मिस्टर ज्ञाता साहब इस वाइस चेयरमैन, ये यानी तमीन है या ऐसा के, और ये पिंगे दोजी है। तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है। ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर फर्स्ट पासांग वांगचुक सोना, आर फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर पासांग वांगचुक सोना, जो हमारा मेचुगा का जो एमएलए रहा था, तो उनके नाम से हम लोग अभी स्टेट लेवल चैम्पियनशिप, हॉकी चैम्पियनशिप हम लोग खिला रहे हैं। तो ये बहुत सालों बाद, मतलब प्रोबेबली आफ्टर 3 decades, 30 years के बाद में स्टेट लेवल कोई चैम्पियनशिप हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बहुत सालों तक हॉकी खेला नहीं है, और हॉकी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, और हॉकी हमेशा वर्ल्ड में नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8 ऐसा रैंकिंग में हमेशा हॉकी रहता है। जैसे फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल हम लोग जो भी है 100 से ऊपर में ही रैंकिंग हमेशा रहता है, लेकिन हॉकी इंडिया में, इंडियन हॉकी हमेशा रैंकिंग बहुत आगे रहता है। कोई कारणवश, मतलब ये अरुणाचल में इसका पॉपुलरिटी हुआ नहीं, तो इसको पॉपुलर कराने के लिए हम लोग जीत और कोशिश कर रहे हैं। And we are very, very thankful to Honorable Union Law Minister, Law and Justice Minister, हमारा बड़ा भाई किरण रिजिजू। किरण रिजिजू का इनिशिएटिव से हम लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा है, और अभी इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मिस्टर किरण रिजिजू दैट हॉकी इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड एज वन ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NCOE में हॉकी को भी डाला है। अभी हॉस्टल चलाने के लिए भी उसने परमिशन, उस दिन आई वेंट टू मीट किरण भैया, तो किरण भैया को मिला, उसके बाद मिलने के बाद में वो स्पोर्ट्स का डीजी को बुलाया, उसका ऑफिस में डीजी को बुला के बोला कि मतलब हॉकी का एक्टिविटीज स्टार्ट करना है। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ किरण रिजिजू, हम लोग का ये हॉकी जो है एक डिसिप्लिन है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ईटानगर में सांगे लादेन में होना है, और इसका नोटिफिकेशन भी आ गया, ऑल बिकॉज ऑफ किरण रिजिजू। और रियली मतलब किरण रिजिजू अपना जिस हिसाब से वो पर्सनालिटी है, दिल्ली में उसका खूब उसका दबदबा है, सारा इंडिया में उसका इन्फ्लुएंस है, तो अरुणाचल से कोई ऐसा हो देना, ऐसा उधर में दिल्ली लेवल में ऐसा बैठ देना, ये बहुत ही गर्व का बात है। और किरण रिजिजू का थ्रू रियली अरुणाचल को बहुत लोग पहचानता है, कि मतलब अभी हम जब स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ाई करता था, उस समय का जो अरुणाचली का पहचान और आज का जो अरुणाचली का पहचान थोड़ा अलग अलग है, तो उसका कारण हम लोग बहुत सारा हम लोग को मदद मिला है हॉकी को चलाने के लिए, हॉकी को प्रमोट करने के लिए, वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। और ये पासांग वांगचुक सोना जो मेमोरियल चैम्पियनशिप, जो स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हम लोग चला रहे हैं, इसको हम लोग सक्सेसफुली करेगा, बहुत अच्छा से करेगा। वी आर गेटिंग वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, खास करके हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का बहुत ही बड़ा योगदान है इसमें, इसको स्टार्ट करने में। और जिस हिसाब से वो यूथ रिलेटेड, यूथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ को जैसे सपोर्ट कर रहा है, बहुत ही सराहनीय है, वी आर वेरी थैंकफुल। अभी यूथ लेवल का एक्टिविटीज, जिसका जिस हिसाब से टैलेंट है, जिसका जिस हिसाब से इंटरेस्ट है, तो उसका इंटरेस्ट, उसका टैलेंट को निखारने के लिए अरुणाचल का गवर्नमेंट लेड बाय पेमा खांडू जी बहुत कोशिश कर रहा है, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और अरुणाचल का यूथ काफ़ी खुशी होना चाहिए कि मतलब इतना यूथ का एक्टिविटीज़ अरुणाचल में करा रहा है, और स्पोर्ट्स में तो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और हमारा स्पीकर साहब, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली अरुणाचल प्रदेश, मिस्टर पासांग सोना जी का तरफ से, पीडी सोना का तरफ से भी काफ़ी इसको हम लोग को मदद मिल रहा है। आपने अपने स्पीच में बोला कि इस बार 12 डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर हुआ है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट को करना चाहिए, बट देन हम लोग का यहाँ पर सर अभी बोला जाएगा तो ग्राउंड नहीं है प्रैक्टिस करने का, तो डिस्ट्रिक्ट वाला लोग को इन्वाइट करके भी सर, अगर वो लोग के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं होगा, तो फिर कैसा टूर्नामेंट चैम्पियनशिप कैसा होगा सर? अरुणाचल में एक ऐसा है, अरुणाचल मतलब टोपोग्राफी ही ऐसा है कि मतलब प्लेन जगह अवेलेबल नहीं है बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में,
और बहुत सारा ग्राउंड बनाने के लिए, फील्ड बनाने के लिए वो ज़मीन अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ज़मीन छोटा होने का कारण से हम लोग ने उस दिन हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब को मिला था, तो चीफ मिनिस्टर साहब को यही बोला है कि हम लोग सिक्स साइड, एक साइड में छः प्लेयर, एक साइड में छः प्लेयर, ऐसे करके सिक्स सिक्स प्लेयर्स का स्टेडियम बनाने के लिए हम लोग प्रपोजल दिया है और चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको कंसीडर किया है, इसको जैसे भी टेकअप करेगा करके। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट और चीफ मिनिस्टर इज़ ऑल्सो वेरी कमिटेड अबाउट दिस थिंग्स। सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया, जो बच्चे जो बाहर जा कर खेलते हैं, ये देखिए ये सिर्फ जो हॉकी जी जो ऐसा है कि आप सिर्फ तर्फ में नहीं खेलते हैं। इंडिया जब पहले गोल्ड मेडल जीतता था तो ग्राउंड में ही खेल जीतता था, तर्फ नहीं था। तो लेकिन ऐसे है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी जो बहुत सा ग्राउंड है, हमने अभी इक्विपमेंट्स कहीं कहीं सब जगह दे दिया है कि अभी वो लोग प्रैक्टिस जारी है। तो रिगार्डिंग ये आपका तर्फ है, ये कंडीशन ऐसे है कि कोविड के समय में, ये एक ऐसा समय था कि हमारा कोविड के समय में आदमी लोग यहाँ घुस के मैट को भी काट के ले गए क्या हमारा ये तर्फ ग्राउंड को, उसी वजह से आज क्या भाई पोर्ट होल्स आ गया कुछ कुछ जगह में। तो एक ये है कि इसको अभी तक जो हॉकी ग्राउंड है इसका कोई रिनोवेशन जब से बना है एज इट इज़ है, तो हम लोग जब इसको हम लोग रिपेयर नहीं कर सकता बिकॉज दिस ये टर्फ ग्राउंड है, उसका जो रिपेयरिंग करने वाला एक स्पेशलिस्ट होना पड़ता है, ग्राउंड स्पेशलिस्ट होना पड़ता है। लेकिन ऑलरेडी वी हैव सर्व ए लेटर टू द डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट एश्योर किया कि हमारा ये स्टेट चैम्पियनशिप जब नहीं होने से पहले वो लोग कुछ रिपेयर कर देगा बोला है, एश्योरेंस तो किया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड रिगार्डिंग द बाथरूम कंडीशन भी ये था कि ड्यू टू क्राइसिस ऑफ वाटर, हमारे यहाँ में पानी का बहुत क्राइसिस है। हमने यहाँ में पानी के लिए हम लोग ने दो तीन बोरवेल भी किया था, फिर भी पानी ठीक से नहीं निकला। फिर भी हम लोग कोशिश करता है कि पानी को लेकर रखता है, लेकिन यहाँ पर प्लेयर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, पानी सफिशेंट नहीं होने के कारण टॉयलेट ऐसे ही पड़ा रहता है। इसके बाद देन यहाँ में बाहर से भी आदमी आके बहुत ही टॉयलेट को गंदे करके चला जाता है। तो अभी हम लोग ने स्ट्रिक्टली यहाँ पर पूरा को आउटसाइडर को बैन करके रखा हुआ है कि अंदर में अलाउ नहीं होगा। तो अभी जो हमारा जो स्टेट लेवल जो चैम्पियनशिप होगा तो उस तक हम लोग ठीक ठाक करा लेगा। सर आप लोग ने डिस्ट्रिक्ट को तो इनविटेशन सेंड कर दिया, लेकिन किस तरीके से अगर कोई खेलना चाहेगा तो क्या होगा प्रोसेस, जो क्या होगा? नहीं डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है उसका ऑलरेडी हमारा यहाँ में 18 डिस्ट्रिक्ट एफिलेट है हॉकी इंडिया से, हॉकी अरुणाचल में। तो हमने हमारा AGM बैठता है, हमने रिसेंटली भी हमारा जो हॉकी इंडिया से जो मेंबर आया था उस समय भी हम लोग ने मीटिंग बैठाया, उसको बुला के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों को बुला के हमने मीटिंग बैठाया कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट में अब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का मेन रोल होता है कि वो लोग बोलता है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। मैंने बताया वहाँ में आपका ग्राउंड है, आपका ग्राउंड में आप वहाँ में DSO होता है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होता है। हमने बोला कि आप उसके पास जाइए, जाके उसको आप लोग अप्रोच कीजिए, क्योंकि इक्विपमेंट्स वगैरह जो है हम लोग भी देता है, हॉकी इंडिया से भी देता है, जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट को देने के लिए हम देता है उसको प्रोवाइड करता है। तो अभी उसको हमने ऑलरेडी नोटिस सर्व कर लिया है कि वो लोग प्रैक्टिस भी करता है। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि रियल में वहाँ में ग्राउंड जो बहुत ही एकदम हॉरिबल कंडीशन है तो वह जगह में नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पर आता है। अभी समय है, 1 month स्टिल अभी समय है, तो हम उसको उसके लिए यहाँ किट्स वगैरह अवेलेबल कर दिया है। देन सुबह का ये उसका डाइट को भी हम लोग अवेलेबल कर रहा है अभी, जो ये लोग बोला है कि प्रैक्टिस करना है, तो ऐसे अभी चल रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारा ये पसंगजी सोना का जो लेट पसंगजी सोना का जो टूर्नामेंट नहीं आने से पहले वो लोग अच्छी तरह से यहाँ प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि कोच भी हमने 2-3 कोच भी लगा कर रखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के लिए।